अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यू रिजर्वेशन रूल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो ये न्यू रिजर्वेशन रूल्स निकले हैं, चाहे आप ओपन मेरिट कैटेगरी में आते हो या EWS में आते हो या शेड्यूल ट्राइब्स में आते हो या शेड्यूल कास्ट में आते हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में जो भी जॉब्स निकलेंगे उनमें जो जॉब्स से आपको कितने परसेंट रिजर्वेशन मिलेंगे ये आपको पहले से पता होना चाहिए। सो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो। जो भी अपडेट्स आता है मैं वहाँ पर सेंड करता हूँ। अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए, ये आपको एक ही क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी आपको पता चल ही जाएगा। वीडियो में आप वीडियो को थोड़ा सा देखिए तो आपको वैसे भी पता चल ही जाएगा। यहाँ पर लिखा है इन रूल फोर, यहाँ पर लिखा है शेड्यूल्ड कॉस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट के लिए 8% रिजर्वेशन है, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है 20% है, लेकिन इसमें पार्ट वन भी है और पार्ट सेकंड भी है। जो पार्ट सेकंड ये नए ऐड इसमें हुए है, यहाँ पे जो है बकरवाल है, बाल्टी है, बेड़ा है, बोट है, बोटा है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये उनको 10% रिजर्वेशन है। इसी तरह यहाँ पे गाड़ा ब्राह्मण है, कूली है, पहाड़ी ट्राइब है, पहाड़ी इतनी ग्रुप है, उनको 10% रिजर्वेशन है जो इसमें नए ऐड हुए है। अगर मैं यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस की बात करूँगा, उनको 8% रिजर्वेशन है। या रेजिडेंट्स ऑफ एरियाज एडजॉइनिंग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ALC या इंटरनेशनल बॉर्डर IB, उनको 4% रिजर्वेशन है। या रेजिडेंट्स ऑफ बैकवर्ड एरियाज है, उनको 10% रिजर्वेशन है। अगर मैं यहाँ पे EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करूँगा, उनको 10% रिजर्वेशन है। एक्स सर्विस मैन या पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनको 6% है। एक्स सर्विस मैन पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनको 4% है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ये शेड्यूल कास्ट जो है उनको 8% रिजर्वेशन है, या शेड्यूल ट्राइबल्स उनको 10-10% रिजर्वेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हो अदर बैकवर्ड क्लास है, उनको 8% रिजर्वेशन है। यहाँ पे जो चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सन, उनको 3% रिजर्वेशन है। चिल्ड्रन ऑफ पैरी मिलिट्री फोर्स एंड ड्यूटी ऑफ पुलिस पर्सनल है, उनको 1% रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। यहाँ पे आप ये देख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे इन रूल 15 पढ़ूंगा, यहाँ पे लिखा है ओपन मेरिट कैटेगरी। ओपन मेरिट कैटेगरी के लिए 50% है, या शेड्यूल कास्ट के लिए 8% है, आपने देख लिया है। सो जो जो न जो रिजर्वेशन सिस्टम है इंडिया में, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके बारे में आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। अगर आप ये नोटिफिकेशन को डिटेल में पढ़ना चाहते हो, अच्छी तरह से समझाना चाहते हो, अपनी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हो, अपने मोबाइल फ़ोन में पढ़ना चाहते हो, तो ये आप पढ़ सकते हो। ये नोटिफिकेशन मैं सेंड करूँगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने आपको जो दी डिस्क्रिप्शन में। अगर वीडियो कहीं से भी पसंद आया तो वीडियो को दबा के लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। फॉर द टाइम मेक दिस एंड ऑफ दिस वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।